धीरे धीरे लैंड पुलिंग मतलब भूमि के अधिग्रहण को लेकर किसान उग्र होता जा रहा है। इसी को लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। बड़ी संख्या में उनके साथ ट्रैक्टर लेकर आए। जैसे ही किसान शहर में आने लगे, वैसे धीरे देवास की यातायात व्यवस्था चरमराने लगी, लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने इस पे काबू पा लिया। मंत्री जी को अपने घर के अंदर बंद कर देगा, कहीं दिन तक घर के बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर इस ज्ञापन के माध्यम से अगर अभी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम इंदौर एमपीआईडीसी का घेराव करेंगे और उज्जैन कमिश्नर महोदय का घेराव करेंगे, और अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करके वहीं अपना घेरा डालो का नारा है हमारा, वही हम कार्य करेंगे। ये 20 नवंबर को अभी तो ये टेलर चालू हुआ है, मुख्यमंत्री का घेराव करना है क्योंकि ऐसी योजना है। चेतावनी स्वरूप सांकेतिक जैसे एक सुई लगाते हैं उस हिसाब से हमने एक चेतावनी स्वरूप एयरपोर्ट आपका नाम बताओ। मेरा नाम शेखर पटेल, भारतीय किसान संघ जिला मंत्री। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हाटपिपलिया एवं देवास विधानसभा के 32 गांव लैंड पुलिंग योजना में लिए हैं। आज हाटपिपलिया ही नहीं, देवास नहीं, पूरे जिले के किसान एकत्रित हुए और हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर यहां पर आंदोलन करने आए हैं। पूर्व में भी हमने किसान आंदोलन किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके माध्यम से हमने सभी किसान भाइयों को जागृत किया था। यह योजना कैंसर के रूप में है, किसानों की जमीन खाने का काम जो भाजपा सरकार कर रही है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों का हक की लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहेंगे, और इस जो भी योजना इन्होंने बनाई है, यह योजना किसानों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, और जितनी भी ज़मीन इन्होंने अधिग्रहण करी है किसानों को वापस लिखित में जिला प्रशासन के माध्यम से देवें कि हमने आपकी ज़मीन को स्कीम से बाहर कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से हमें पहले भी हमने जब ज्ञापन दिया था और आज भी किसानों के साथ मिलकर ज्ञापन दिया, उनका ये कहना है कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, प्रशासनिक लेवल पर बात करेंगे, परंतु जब एमपीआईडीसी के अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई है तो उनका ऐसा कहना है कि भैया ऊपरी लेवल से आप बात करें मुख्यमंत्री जी से, अगर वो चाहेंगे तो यह योजना हटेगी, अन्यथा कोई इस योजना को हटा नहीं सकता। ये पॉलिटिकल आंदोलन है या किसानों का वाकई क्या है? देखिए, पहले तो यह किसानों का आंदोलन है क्योंकि मेरी खुद की भी भूमि इसमें गई हुई है, मेरा गांव भी राजोदा इस योजना में गया हुआ है, इसीलिए हम किसानों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। जो भी इस आंदोलन में हमारे साथ खड़ा होगा, जितने भी किसान संघ खड़े होंगे, जो भी दल हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, हम सबका समर्थन करेंगे और सबके साथ मिलकर किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे।